एक ये है चिन्नू छोटा सा, और एक ये है छोटा सा, और एक ये है छोटा सा। छोटे छोटे राजकुमार हैं यहाँ पे तीन, बहुत प्यारे प्यारे। ये मासूमियत है, देखो कितनी मासूमियत है ना। डिश, ये लड़ाई कर रहे तो डिश डिश। ये देखो सर के चक्कर, डिश डिश डिश। देखो डिश डिश। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार, राम राम, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, अभी जा रहा हूँ मैं कोटद्वार, और मैं जा रहा हूँ सत्तू भाई के साथ, तो उनका कुछ काम है फिलहाल। अभी तो मैं आगे निकलता हूँ क्योंकि मेरे पास है स्कूटी, धूप भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो फिलहाल पहुँच गया हूँ मैं स्कूटी के सामने, और यहाँ पे हो रख के स्कूटी खड़ी, तो चलता हूँ मैं टोलवार की ओर। अभी सुबह सुबह सत्तू भाई कहीं गए होंगे टोलवार साइड को किसी को लेने के लिए, तो यहीं पर हो रख के गाड़ी खड़ी, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता भी जाता है सत्तू भाई के घर की ओर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। हाथ में पकड़ रखा मैंने साबुन, क्योंकि मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। तो फिलहाल इसमें रखे हैं मैंने 2-3 कपड़े, तो इनको धोऊंगा पहले, क्योंकि इसमें वाइट और ब्लैक जिसका कलर ना निकले, वाइट कपड़ों के साथ में लगे, वो रखा है। फिलहाल दोस्तों मैंने कपड़े तो धो दिए हैं ये सामने, और फिर अब जा रहा हूँ मैं टोलवार की ओर। वहाँ से कहाँ जाता हूँ ये आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं टोलवार की ओर जाऊंगा। और अभी नाश्ता नहीं किया मैंने, तो उससे पहले मैं नाश्ता करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं चलता हूँ टोलवार की ओर, घर से तो निकल गया मैं, नाश्ता नुश्ता तो मैं निकल लिया है ना। आसपास चीड़ और साल के पेड़ हैं, तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन जब चेहरे पर धूप पड़ रही है तो गर्मी भी हो रही है। इस रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है, टाडा मंडी रोड हनुमंती के आगे है, और काफ़ी प्यारी जगह पर है ये, काफ़ी प्यारा लग रहा है इसके अंदर, और साल के पेड़ तो और भी खूबसूरत लग रहे हैं। हम जा रहे थे पाली गांव में, और सोचा कि रास्ते में इसको भी दिखाते हुए चले। तो गड्ढा से तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन पहले पिछली बार जब हम आए थे तो इस रास्ते गए थे, लेकिन इस बार इस रास्ते पे ये पत्थर वगैरह बिछा रखे हैं, लॉक है, तो शायद दूसरा रास्ता होगा कोई, तो उस रास्ते जाएंगे। तो दोस्तों अभी आ रखे हैं हम पाली गांव में, और यहाँ पे भी धूप काफ़ी गजब की है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी हवा ज़्यादा लग रही है। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच चुका हूं मैं दुगड्डा, और दुगड्डा यहां पे टीटी भाई की दुकान पे। ये देखो ये टीटी भाई हमारे, और यहां पे क्यों आया हूं, ये हमारे सत्तू भाई मसाज वगैरह करवा रहे हैं। कल है सत्तू भाई की शादी, तो सत्तू भाई मसाज वगैरह करवा रहे हैं फर्स्ट क्लास। यहां देखो कैसा लुक लग रहा है, इसे लगा के सत्तू भाई और चमक जाएंगे। सत्तू भाई पूछ भी रहते हैं इसे लगा के कुछ फायदा होगा भी। अरे यार टीटी भाई, इससे अच्छा तो नहलाए दो सत्तू भाई को, कितना पानी मारोगे। सत्तू भाई मुंह इधर उधर करते करते थक गया। सत्तू आंख को खोल ले, आंख के अंदर चला गया होगा, मिर्च लग रही है सत्तू भाई को। फिलहाल आया था दोस्तों मैं पेट्रोल पंप में, और पेट्रोल डलवाया, और उसके बाद अब निकलता हूँ मैं दुगड्डा की ओर, क्योंकि वहाँ पे सत्तू भाई लोग और भाई लोग भी और भी हैं, वेट कर रहे हैं, तो निकलते हैं फिर। अभी हम दुगड्डा से आ रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे ना ये लोग काफ़ी खड़े हो रखे हैं, और कार वगैरह भी रुक रखी है, तो हमने भी बाइक रोकी और पूछा, तो इन्होंने बताया कि यहाँ नीचे बाघ है, और जो ये लोग नीचे घूम रहे हैं ये भी वहाँ बाघ को देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। ये जो एरिया है दोस्तों ये है फतेहपुर में, तो दोस्तों यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो बाघ हैं। हद है दोस्तों, दो दो बाघ एक साथ, कमाल है। और यहाँ के लोग तो बता रहे थे कि 3-3 बाघ है।